अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञान दान में सहभागी बने। एक दिन की 9000 अथवा 3000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञान दान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है, अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर परम मुनि भक्त दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्र वधु विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्र वधु विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रियांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। समं समस्ते अनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नये विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की रचना, और श्रावक धर्म का निरूपण करते करते आचार्य देव मुनि अवस्था तक आ गए हैं। चारित्र की चर्चा चल रही थी, चारित्र अधिकार बतलाया जा रहा था और सम्यक चारित्र अधिकार की चर्चा करते करते चारित्र में जो प्रमुख है ऐसे हम तप तक पहुंच गए और आज आचार्य देव मानो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हे भव्य जीवो मुनिव्रत अंगीकार करो। वाह, मुनिव्रत अंगीकार करने की, मुनिव्रत धारण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हे जीव परिवज्य दुसामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम, मानो कुंद कुंदाचार्य देव के हृदय में बैठकर ये अमृत चंद्राचार्य देव बोल रहे हैं। ये वे ही अमृत चंद्राचार्य देव हैं जिन अमृत चंद्राचार्य देव ने समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाएं ग्रंथ की टीकाएं लिखी। ये वही अमृत चंद्राचार्य देव हैं जिन्होंने प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चूलिका में मुनि बनने की भावना के साथ साथ में मुनि बनने की विधि का भी निरूपण किया। जब वे यहाँ चरणानुयोग में चर्चा करते हैं, जब वे श्रावकाचार में चर्चा करते हैं, तो यहाँ भी कहते हैं भैया अंगीकार करना मुनिव्रत। देखिए लिख रहे हैं श्रावकाचार, प्रेरणा दे रहे हैं मुनि बनने की, गजब हो गई है भैया बात है। श्रावकाचार ग्रंथ लिख रहे हो, अरे श्रावकों को ही तो मुनि बनने की प्रेरणा दी जाएगी। आपको ध्यान होगा जब हमने ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ प्रारंभ किया था तो उसकी भूमिका में श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 20 या 18, 19, 17 इन श्लोकों में अमृत चंद्राचार्य देव ने ऐसे प्रयोग किए कि जो जीव छोटा उपदेश देता है, कम उपदेश देता है, हीन उपदेश देता है, वो दंड का भागीदार है। और गजब के शब्द थे, ध्यान होगी आप लोगों को सारी बातें, मैं तो पुरानी बातें आपको थोड़ी बहुत याद करा रहा हूं। माने आचार्य देव ने कैसे शब्दों के प्रयोग किए, दंड मिलेगा तुझे, छोटी बात कैसे कही तूने, ये बता। जो व्यक्ति चारित्र अंगीकार कर सकता था, जो व्यक्ति महाव्रत अंगीकार कर सकता था, तूने उसे अणुव्रत का उपदेश देकर के मानो अपराध कर दिया। हमने बहुत बातें वहां की थी, हिंट देता हूं आपको,
थोड़ा सा हिंट देता हूं, सुनो, सब व्यापारी लोग हैं, दुकान पर आए हुए ग्राहक को अच्छा से अच्छा माल दिखाना, महंगा से महंगा माल दिखाया जाता है कि नहीं, और फिर उसकी रेट देखकर यदि कदाचित वो कहे कि इतना तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा, इतना महंगा तो मुझसे नहीं खरीदा जा सकता है, तो फिर सेकंड स्टेप, कोई बात नहीं, हमारे पास में सस्ता भी है, हमारे पास में हल्का भी है, लेकिन जो महंगा और अच्छा माल एक बार ग्राहक को दिखा दिया, भले ही नहीं ले पावे, भले ही सामर्थ्य नहीं हो, भले ही ताकत नहीं हो, पावर नहीं हो, तो भी मन में तो ये ठान करके जाता है, एक दिन आऊंगा और ये चीज खरीद करके ले जाऊंगा, ये चीज मुझे पसंद आ गई। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी यहां आपको मुनिव्रत दिखा रहे हैं, आपको मुनियों का आनंद दिखा रहे हैं, आपको मुनिराजों की दिनचर्या दिखा रहे हैं, आपको मुनिराजों के अतींद्रिय आनंद का वैभव दिखा रहे हैं। अरे उस वैभव को देख करके चित्त ललचाता है, यदि चित्त ललचाता हो तो कहते हैं श्रावक के बाद में मुनिव्रत अंगीकार करना। अरे बड़ी गजब की चर्चा है, प्रारंभ करते हैं यहाँ। सम्यक चारित्र अधिकार मुनि धर्म का स्वरूप, हेडिंग है सम्यक चारित्र अधिकार। तीसरा अधिकार है चारित्र की चर्चा के पहले सम्यक ज्ञान की चर्चा कर चुके हैं, और उसके पहले सम्यक दर्शन की चर्चा कर चुके हैं, हम सब इन बातों को पढ़ चुके हैं। नई पुस्तकों में पेज नंबर है 226 और पुरानी पुस्तक में है 170 नंबर का पेज, और गुजराती वाली पुस्तकों का पेज नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा। सम्यक चारित्र इसका मतलब गुजराती में 162 नंबर पेज। सम्यक दर्शन सबसे पहले, फिर सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र की चर्चा। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं, अब श्री अमृतचंद्र स्वामी मुनियों के चारित्र का वर्णन करते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है, मुनियों के चारित्र का वर्णन कर रहे हो हमारे सामने? और मुनि तो होते ही नहीं है इस पंचम काल में, मुनि तो बहुत मुश्किल है, मुनि बनना तो बहुत कठिन काम है। अरे ये पंचम काल के संत, पंचम काल के श्रावकों को पंचम काल में पंचम गति की प्राप्ति के लिए मुनि बनने का संदेश, आदेश, उपदेश दे रहे हैं, ये क्यों भूल जाते हैं आप? सभी तो पंचम काल के हैं, अमृतचंद्र भी पंचम काल के ही हैं, श्रावकाचार पंचम काल में लिखा गया है, और ये चर्चाएं अमृतचंद्राचार्य देव ने कोई चौथे काल के लोगों के लिए नहीं लिखी है, ये पंचम काल के हम जैसे श्रावकों के लिए ही लिखी है। अतींद्रिय आनंद क्या होता है, क्या होती है मुनि भूमिका, क्या होता है संयम, क्या होता है ध्यान, क्या होती है साधना, क्या होता है वैराग्य, कैसे डूबते हैं अतींद्रिय आनंद रस में, क्या चर्चाएं हैं भाई साहब, देखो तो देखते रह जाओ आप। देखिए क्या कह रहे हैं, मुनि पद धारण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती, ये संदेश है आचार्य देव का, ये आगम वाक्य है, ये जनागम का वचन है। मुनि पद धारण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति होती ही नहीं है, कभी नहीं होती। इसका मतलब मोक्ष जाने के लिए मुनि बनना ही बनना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि हम बिना मुनि बने मोक्ष चले जाएंगे तो इस धोखे में मत रहना, ये जनागम का मार्ग है भाई साहब, बिना मुनि बने बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती। तो साहब अभी तो पंचम काल चल रहा है, इस पंचम काल में तो मोक्ष वैसे ही नहीं है, आप क्यों बात कर रहे हो? क्या भाई, आप जो ये बात कह रहे हैं कि मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता, बात आपकी सच्ची है, लेकिन यदि ये बात आप चौथे काल में कहते तब तो बात समझ में आती, पंचम काल में तो मुनि बन जाओ चाहे नहीं बनो मोक्ष तो होगा ही नहीं, काय को बनना मुनि बतलाओ, अब तो मुनि बनने से कोई लाभ ही नहीं है क्योंकि पंचम काल के अंदर तो मोक्ष होता नहीं है। भैया मुझे एक बात बता दो, पंचम गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, छठा सातवां गुणस्थान और पहला गुणस्थान, कौन से गुणस्थान में अतींद्रिय आनंद ज्यादा है? पहले गुणस्थान का आनंद, आनंद है कहाँ पहले गुणस्थान में? रो रहे हैं, रुल रहे हैं भाई साहब, पहले गुणस्थान में कहाँ है आनंद? तो चौथे वाले का, चौथे वाले का कुछ आनंद प्रकट हुआ है, पंचम वाले का कुछ और आनंद प्रकट हुआ है, किसका
कि छठे सातवें वाले कहा? बोले छठे सातवें वाले तो प्रचुर स्व संवेदन का भेदन करते हैं, अतिंद्रिय आनंद में डुबकी लगाते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के सिद्धों की तलैटी में बैठे हैं। भाई साहब वे मुनिराज, वे भावलिंगी संत आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जग धरते हैं। ओहो, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में कब झरते होंगे साहब? चौथे काल में कि पांचवें काल में है? तीसरे काल में कोई मुनि बन गए तो, ऋषभदेव स्वामी आदि हुए थे ना तीसरे काल में, किसी भी काल में हो। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जग धरते हैं। बोलो, जब निज ध्यान धरते हैं तब आनंद के झरने झरते हैं आत्म प्रदेशों में। यदि आप चाहते हैं आनंद के झरने आपके आत्म प्रदेशों में झरे, तो ये कहना चाहते हैं भैया मुनिव्रत अंगीकार करो। पड़ी मज्जतु श्रावणम, श्रावण्य को अंगीकार करो। कुंद कुंदाचार्य देव का वाक्य है, कैसा अद्भुत संयोग है, यहां मुनि बनने की प्रेरणा दे रहे हैं 200 नंबर गाथा में, 200 नंबर श्लोक में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, और प्रवचन सार में 201 नंबर गाथा में कहा कि भाई तू तो मुनिव्रत अंगीकार कर ले। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर वाक्य कहा जिग्नेश भाई। गुरुदेव कहा करते थे कि काल के सामने मत देख, आत्मा को देख। काल को क्या देखता है, काल देखने लायक नहीं है। इस पंचम काल में मोक्ष हो सकता है कि नहीं, इस विषय के ऊपर भी मैंने कई बार चर्चाएं की है, शायद रिकॉर्डिंग में नहीं होगी मेरे ख्याल से, मुझे ख्याल में नहीं आता है। बहुत पहले बहुत प्रवचन चलाए मैंने मुंबई के अंदर, चलाए अध्यात्म स्टडी सर्किल में, एक दो सेंटर में तो ऐसे प्रवचन किए मैंने। पंचम काल और भरत क्षेत्र, मोक्ष में साधक या बाधक, ये हेडिंग, इस टॉपिक के ऊपर प्रवचन। ये पंचम काल मोक्ष में बाधक या साधक, भरत क्षेत्र पंचम काल, क्षेत्र काल से मुक्ति बाधित होती है कि नहीं होती है? अरे क्या बात करते हो, आप चाहें तो आपके नगर में, उमाकांत जी साहब जो चाहे उनके नगर में। बोलो एडवोकेट साहब, योगी जी कहां से हैं आप? जब आप जहां जहां कहो, आप कहो तो मलकापुर से कर दें, आप कहो तो सनावत से कर दें, आप कहो जहां से इंदौर से कर दें, भाई साहब इंदौर से, भोपाल से, मुंबई से हैं, न्यू जर्सी से, जहां जहां आप चाहें वहां से मोक्ष आज आज अभी पुणे से कर दें। बोलो कर ले, अभी यहां से मोक्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम इंदौर में बैठे हैं, ढाई दिन जनायतन हमारा कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा गजब का आयोजन हो रहा है, सुबह से विधान का आयोजन। हम पूछ रहे हैं आपसे, हमें एक बात बतलाइए आप, यहां से मोक्ष हो सकता है कि नहीं? कोल्हापुर से हो जाएगा क्या भाई साहब? अभी अभी एट प्रेजेंट में दिसंबर 2020, राजेश भाई शिकागो से हो सकता है कि नहीं? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, कैसे होगा साहब? यहाँ तो पंचम काल चल रहा है, यहाँ तो पंचम काल चल रहा है। सुनो एक बात मेरी सुन लो, थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, यदि कोई जीव अभी विदेह क्षेत्र में ध्यान कर रहे हो मुनि अवस्था में, ठीक है, मुनि अवस्था में कोई मुनिराज ध्यान कर रहे हैं अभी, आज सन दिसंबर 2020, आज कितनी तारीख है, 25 दिसंबर 2020, और वहां ध्यान कर रहे हैं कोई मुनिराज विदेश क्षेत्र में बैठ करके, और आज अभी इस समय कोई उनका पूर्व भव का दुश्मन, शत्रु, विरोधी, कोई ऐसा व्यंतराधिक देव, वो नाराज होकर के बिगड़ करके उपसर्ग करता हुआ, उन्हें ध्यान मुद्रा में वहां बैठे हुए पर उपसर्ग करता हुआ वहां से उठाकर यहां आपके नगर में ला करके धर देवे, बोलो मुंबई में ले आवे, बोरीवली में ले आवे, जवेरी बाजार में ले आवे, बोलो आपके नैरोबी में ले आए, क्या करें? सोचो जरा, आपके लंदन में आ जाए भाई साहब,
आपके सिंगापुर में आ जाए भाई साहब अशोक जी वैसा, बोलो तो बोलो मोक्ष हो सकता है कि नहीं। यदि वे मुनिराज ध्यान अवस्था से विचलित नहीं हुए तो उन्हें वहीं से इसी नगर से इसी पंचम काल में आज ही की तारीख में यहीं से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। यह आगम के आधार से बात कर रहा हूं मैं। न क्षेत्र वादक होता है न काल वादक होता है। हे जीव, तू अंतरोन्मुखी दृष्टि रखकर पुरुषार्थ करके तूफानी वेग से कदम तो बढ़ा, पर्वत भी रास्ता दे देंगे। युगल जी बाबू जी कहा करते थे भाई साहब ऐसा, तू क्यों काल का बहाना बनाता है? अरे ये काल की आड़ तो उन लोगों के लिए है जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती हो, पहले गुणस्थान में बादशाही गुणस्थान में बैठा हुआ है। अब बात करता है मोक्ष तो होता नहीं है, मोक्ष तो होता नहीं है, क्या बात कर रहा है? छठे सातवां गुणस्थान हो सकता है, पहले वहां तक तो जा। कोई बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाता था, दूसरी क्लास में पढ़ने नहीं जाता था, तीसरी क्लास में पढ़ने नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि वो ये कहता था अपने गांव में यहां कॉलेज तो है नहीं, तो मैं पढ़ के क्या करूंगा। क्या क्या समझ में आई? अभी तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, पांचवी क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, स्कूल नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है भैया? अरे तू स्कूल जा। कि नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा स्कूल। कि क्यों नहीं जा रहा? कि अपने यहां तो गांव में 10th तक ही स्कूल है, अपने यहां तो गांव में 12th तक ही स्कूल है, कॉलेज तो है नहीं। जब कॉलेज नहीं है तो फिर मैं क्यों जाऊं स्कूल? अरे भाई कोई बात नहीं, जहां तक है तू यदि वहां तक चले जाए तब तो तू ये बात कहने का अधिकारी है कि अब मैं क्या करूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मजबूरी है मेरी, हमारे गांव में नहीं है, हमारे नगर में नहीं है, तब तो मजबूरी समझ में आती है। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत यदि ये बात कहे, अरे यार छठा सातवां तो हो गया, क्या करूं, श्रेणी नहीं चढ़ पा रहा हूं। ध्यान देना, छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में बैठे हुए मुनिराज यदि ये बात कहे, मैं श्रेणी नहीं चढ़ पा रहा हूं, मैं गुणस्थान नहीं चढ़ पा रहा हूं, शपक श्रेणी उपशम श्रेणी कहीं नहीं चढ़ पा रहा हूं, इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूं मैं, मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं पा रही है, पंचम काल है, तब तो आप ये कह सकते हो कि उनके लिए बाधक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम बैठे हैं पहले में, बैठे हैं चौथे में, और बात कर रहे हैं मोक्ष तो है नहीं, मोक्ष तो है नहीं। गजब हो गई यार, क्या बात कर रहे हो आप, हवा में बातें करते हो भैया? पुरुषार्थहीनता की बातें मत करो। यहां आचार्य देव कह रहे हैं आनंद के झरने झरते हैं भैया, आनंद के झरने झरते हैं। पड़िवज्जतु सामण्णम, मुनिव्रत अंगीकार कर भाई मुनिव्रत। क्यों? यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, दुखों से यदि तू मुक्त होना चाहता है, कोई ऑप्शन ही नहीं। यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है, यदि तू दुखों से परिमुक्त होना चाहता है, दुख से पार होना चाहता है, आनंद रस का रसास्वादन करना चाहता है, अद्भुत अतींद्रिय आनंद को चखना चाहता है, तो आचार्य देव कह रहे हैं बन जा मुनि, विकल्प मत कर, बन जा। क्या? छोड़ घर बार, त्याग कर और अंदर में देख, बोलो अंदर में है आनंद। ये क्या प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरणा जहां दी जाती है ना, बड़ा ऐसा लगता है झकझोर देते हैं आचार्य। प्रेरणा कहते ही होते हैं, आदमी को लगेगी यार ये करना है। आपने प्रेरणा दी और सामने वाला प्रेरित नहीं हुआ तो आपकी प्रेरणा किस काम की है, बताओ मेरे को। पिता की प्रेरणा दी आपने, हमें हमें प्रेरणा मिल रही है या नहीं, सच में ये काम करना है या नहीं, दिल में झांक करके देखिए। ये मत कहना अरे नहीं हम मुनि नहीं, हम मुनि नहीं, मुनि नहीं। अरे वो श्रावक श्रावक नहीं है जिसके हृदय में मुनि बनने की भावना नहीं है। सच्चा श्रावक वही है जो त्याग की भावना बाता है, सच्चा श्रावक वही है जो वैराग्य की भावना बाता है, सच्चा श्रावक वही है जो अंदर में जाने की भावना बाता है। निज में ही समाने का नाम ध्यान है, मुनिराज निज में समाते हैं, मुनिराज अंदर में समाते हैं। ऐसे होते हैं मुनिराज, अंदर में समाने की भावना होती है मुनिराज की। सुनो जरा, बोलो एक और गजब की बात कहता हूं। अंतर में समाने की भावना तो होती है एक श्रावक की, और वो जो अंदर का जो आनंद होता है, वो अंदर का बात कुछ और कहना चाहता था मैं, उपयोग से इधर उधर खिसक गई, फिर आएगी तो फिर कहूंगा, देखना आप बात। चलिए यहां तो बात कह रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं हमारे को, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। इसलिए दीपचंद जी कासलीवाल साहब क्या कह रहे हैं, ये भी पंडित थे दीपचंद जी कासलीवाल, श्रावक थे मुनि नहीं थे। मुनि धर्म की प्रेरणा के ऊपर इन्होंने टीका लिखी, कदम चलाए। क्या कह रहे हैं? इसलिए मोक्षार्थी भव्यात्माओं को, मोक्षार्थी, मोक्षार्थी कौन? मोक्ष चाहने वाले, मोक्षार्थी माने मोक्ष चाहने वाले,
मोक्षार्थी भव्य आत्माओं को जहां तक बन सके, जहां तक बन सके वहां तक इट्स अप टू यू, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, बॉल आपके कोर्ट में है, समझ लीजिए आप निर्णय कीजिए। आप अपनी सामर्थ्य को देखिए, आप अपनी शक्ति को देखिए, आप अपनी योग्यता को देखिए। आप अपने अंदर में यदि निर्मलता बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, त्याग की भावना भाव, संयम की भावना भाव, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, आराधना में हर घड़ी बीते प्रभो मेरी हर घड़ी आराधना में बीते। निर्ग्रंथता की भावना, बड़े पंडित जी साहब की लिखी हुई गजब गजब की पंक्तियां हैं भाई साहब। क्या काल आ गया है, क्या युग आ गया है, एक एक लाइनें ऐसी है, डूब जाओ उसमें, बाहर में आनंद नहीं है। देखो गजब की बात मैं आपको कह रहा था, वापस आई मेरे उपयोग में, उपयोग है क्षण क्षण में, उछलती रहती है बातें अंदर में, कौन सी बात कब भाषा वर्णना के योग से सहज अपनी योग्यता से निकल जाए, हम कुछ नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते हम क्या समझाएंगे, हम नहीं कह सकते हम क्या बोलेंगे, हमें नहीं पता हमारा अगला वाक्य क्या होगा, जो निकलना हो तो निकलता है। देखो बात क्या कहना चाहता था मुनिराज के संदर्भ में, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। कहां की लाइनें हैं, देव शास्त्र गुरु पूजन आदरणीय बाबू युगल किशोर जी युगल द्वारा लिखी गई, जयमाला की अंतिम पंक्तियों तक पहुंच गए, गुरु के स्वरूप को प्रारंभ किया और वहां क्या लिखा, हे गुरुवर, हे मुनिराज, कैसे हैं हमारे महा मुनिराज, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, दर्शक दिखाने वाला, शाश्वत सुख को दिखाने वाला, ओहो हे गुरुवर, हे मुनिराज, आप शाश्वत सुख को दिखाने वाले हैं, आप आनंद को दिखाने वाले हैं, आपका जो बहिरंग स्वरूप है, आपका जो नग्न स्वरूप है, आपकी जो वीतरागता है, आपकी जो त्याग है और तपस्या है, उस त्याग और तपस्या को देख करके दिखता है, सुख नहीं विषय भोगों में है। ये कैसे दिखा बोलो, ये कैसे पता लगा, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। हे जिनेन्द्र देव, आपको देख करके ये सद ज्ञान हुआ, आपको देख करके, आपके स्वरूप को देख करके। अरे अंतरंग स्वरूप का तो क्या कहना, अंतरंग स्वरूप तो हमें पता नहीं, अंतरंग स्वरूप तो हम शास्त्र आधार से जानते हैं, लेकिन हे मुनिराज, जब हम आपके बहिरंग स्वरूप को देखते हैं, हे मुनिराज, जब हम आपके बाहरी स्वरूप को देखते हैं, तो उस बाहरी स्वरूप को देख करके अंदर में ऐसा उत्साह जागृत होता है, ये है असली करने योग्य काम, ये है आनंद की दशा। बोलो, बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे गुरुवर है बारंबार नमो, ऐसे मेरे मुनिवर है बारंबार नमो। क्या कह दिया, बाहर में जिनके तन पे नेतार, बाहर में तन के ऊपर तो अरे वस्त्र क्या, एक तार मात्र भी नहीं है, एक धागा मात्र भी जिनके तन पर परिग्रह नहीं है, बाहर में जिनके तन पे नेतार और अंदर में जिनके आनंद अपार, अरे वो आनंद कहां से आ रहा है, वो वस्त्रों का आनंद नहीं है, वो कपड़ों का आनंद नहीं है, वो भोगों का आनंद नहीं है, वो संयोगों का आनंद नहीं है, वो साधनों का आनंद नहीं है, वो सुविधाओं का आनंद नहीं है, वो एसी का आनंद नहीं है, वो टीवी फ्रिज कूलर का आनंद नहीं है, वे मुनिराज कौन से अस्थि की मस्ती में झूम रहे हैं भाई साहब, क्या मिल गया है उनको, ऐसा क्या है उनके पास में, वो कौन सी निधियां हैं उनके पास में जिन्हें पा करके वे आनंद के झरनों में झूमते हैं, वे मस्त रहते हैं।
शांत छवि दिखाई देती है। बोलो है? कैसी शांत छवि दिखाई देती है मुनिराजों की? वीतरागी छवि, शांत छवि, अतिंद्रिय आनंद रस, अद्भुत अद्भुत स्वरूप मुनिराजों का है। देखते ही ऐसा लगता है धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं वे, हमारे महामुनिराज वे, वीतरागी संत वे, दिगंबर संत ये कह रहे हैं जिनकी महिमा तुम्हें आती है, सुनो हम तुम्हें उन जैसा बना देवे तो कैसा लगे है? आनंद ही आ जाएगा, नहीं आएगा आनंद? आपको प्रधानमंत्री की महिमा, आप क्या पद है यार, क्या रुतवा है यार इनका, तो यार गजब यार, निकलते हैं तो देखो आप फटाफट क्या गाड़ियां और क्या सिक्योरिटी और क्या फैसिलिटी, और देखो एक आवाज पे काम होता है कि बोल तेरे को ये पद चाहिए, अरे यार क्या बात कर रहे हो, बात तो ऐसी है भाई साहब, बोलो ये आनंद ऐसा है। आप जिस जिस चीज को देख करके, जिन बातों को देख करके आपका चित्त ललचा रहा था, जिन बातों को देख करके आपके मन में मुंह में पानी आ रहा था कि यार ये आनंद, ये आनंद, ये आनंद, ये देखो ये महिमा तुम्हें दिला दे, बोलो ऐसा ही कह रहे हैं भैया। ये अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे हैं, ये आचार्य अमृत चंद्र स्वामी हमारे को क्या कह रहे हैं, सुनो मुनिराजों के गीत मत गाओ, बहुत गा लिए गीत आज तक, गुरुओं की भक्ति बहुत कर ली आज तक, अब तो गुरु बनने की सोचो भैया, अब तो काल आ गया है। मुनिराजों के आनंद की चर्चा मत करो, अब तो ये चर्चा करो कि मुनि बनकर के आनंद कब भोगूंगा, उस पद में आनंद नहीं है। लेकिन देखो प्रधानमंत्री पद में आनंद नहीं है, राष्ट्रपति पद में आनंद नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम जब घूमते फिरते हैं ना कभी कहीं, तो हम किसी किसी को देखते हैं, अरे यार इसका तो यार क्या ठाट है, ठाट दिखते हैं हमारे को, आपको दूसरे लोगों के ठाट दिखाई देते हैं, तो ये कह रहे हैं आपको जिसके ठाट दिखाई दे रहे हो, बोलो वो अवस्था आपकी हो जाए तो आपका मन कितना प्रसन्न होता है यार, मजा ही आ जाएगा यार, फिर तो क्या बात कर रहे हो आप है? जैसा ठाट इनके है ऐसे मुझे भी मिल जाए, अरे जैसे तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रचुर स्वय संवेदन का वेदन, ये वीतरागी संत, ये दिगंबर संत, ये मुनिराज, ये भावलिंगी संत ये कर रहे हैं, स्वय संवेदन का वेदन कर रहे हैं, वो आनंद एडवोकेट साहब आपके हृदय में आ जाएगा, आपके अंदर में आएगा, बोलो ये भावना है। ये कितना सुंदर लिखा युगल जी बाबू जी साहब ने, कितना सुंदर लिखा, उठा करके देखो पंक्तियां, जहां जहां पंक्तियां लिखी है, वैभव दिखना चाहिए मुनिराज का, जिन्हें मुनिराज का वैभव दिखाई देता है, मैं क्या बताऊं, समाज की हालत बड़ी स्थिति खराब है, हम बेचारे से दिखते हैं लोगों को, दयनीय दशा जैसी दिखती है, अरे मुनिराज को, अरे बेचारे, अरे बेचारे नहीं है, आनंद में झूम रहे हैं, बेचारे नहीं है, बेचारा तो तू है, घर गृहस्थी की राख की आग में झुलस रहा है, कषायों की आग में जल रहा है, हम बेचारे हैं कि मुनिराज बेचारे हैं, किसे कह रहा है बेचारा, मुनिराज बेचारे नहीं है, मुनिराज धन्य है, मुनिराज महान है, मुनिराज सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। मैंने कल परसों तो कही थी आपसे, शायद टॉप फाइव में नाम है, कहां, यूनिवर्स, यूनिवर्स नहीं, तीन लोक में, क्या काय का यूनिवर्स तुम्हारा, काय के यूनिवर्स की बात करते हो, काय के अर्थ की बात करते हो, काय के ग्लोब अर्थ, ये जो चर्चाएं करते हो आप, कितनी दुनिया पकड़ कितनी सी है, ये दुनिया हमारे चक्रवर्ती की दुनिया के सामने समुद्र में बूंद बराबर दुनिया है, जिसे आप दुनिया कह रहे हो, मैंने दुनिया देख ली, मैं दुनिया के चक्कर लगा करके आ गया, दुनिया के चक्कर, अरे खूब दुनिया घूमी है हमने, खूब दुनिया, काई दुनिया घूमी है तुमने, कुछ नहीं है दुनिया, समझते हो आप दुनिया किसे कहते हैं, हमारी इस दुनिया में नारकी भी आते हैं, हमारी इस दुनिया में देवगति के जीव भी आते हैं, नारकी और देवगति के जीव भी शामिल हो जिस दुनिया में, उस दुनिया की बात कर रहे हैं हम, उस पूरी दुनिया में, बोलो असंख्यात असंख्यात देवों में, असंख्यात असंख्यात नारकियों में, अनंत त्रियंश गति के जीवों में, असंख्यात गर्भज और समूर्छन मनुष्य सब में, एक इंद्री दो इंद्री आदि सर्व जीवों में, बोले टॉप फाइव में जिनका नाम आता है, उस दशा और उस पद की यहां बात कर रहे हैं, और उस पद के लिए आपके पास में मानो निमंत्रण इनविटेशन लेकर के आए हैं, उस पद के लिए क्या कहते हैं वो आता है ना, क्या नौकरी के लिए आपके पास में वो आ गया, क्या कहते हैं उसको, अपॉइंटमेंट लेटर है,
अपॉइंटमेंट लेटर। अरे भाई साहब, पता है कहां से चिट्ठी आई है? प्रधानमंत्री के यहां से ऑफर आया है डायरेक्ट पीए बनने का। बोलो, डायरेक्ट वहां से लेटर आया है क्या? आपको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, आपके पास में ऑफर आया है, नॉमिनेशन में चुना गया है आपको, राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया गया है। नॉमिनेट होने में ही और वहां से आ जाए आपके हाथ में, तो फिर तो ऐसा लगता है यार क्या धन्यवाद, ये अमृत चंद्राचार्य अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के आए हैं तुम्हारे पास में है? बोलो, ऑफर ऑफर लेटर कह दो, क्या कहना है उसे? आपके पास में आपको ऑफर है, आप आ जाओ हमारे बगल में आकर के बैठो। मानो हाथ पकड़ करके अमृत चंद्राचार्य देव अपने बगल वाली सीट पर बिठाने के लिए तैयार है। आप ये आ जा, ए संजीव आ जा, इधर आ जा, यहां बैठ मेरे बगल में। ये सोचता मुझे कैसे, ये भगवान ये मुझे बगल में उठा रहे, मैं कह रहे तू क्या बात करता है, तू और मैं दोनों भगवान है, क्या बात करता है, बने बनाए भगवान है, अंदर में देख, क्या अंदर में देख, बने बनाए भगवान है। देखो मोक्षार्थी मोक्ष चाहने वाले भव्य आत्माओं को जहां तक बन सके, जहां तक बन सके, क्या जहां तक बन सके में क्या बात कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी आप अपनी देखिए, आपकी सामर्थ्य देखिए, जहां तक बन सके वहां तक समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके, समस्त आरंभ का त्याग करो, समस्त परिग्रह का त्याग करके मुनि पद धारण करना कर, मुनि पद धारण कर, अष्ट कर्मों का क्षय करके मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति करनी चाहिए। बोलो क्या कह रहे हैं, मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति करनी चाहिए आपको, जहां तक बन पड़े हम क्या कहें आपसे, करो कोशिश करो मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए कदम बढ़ाओ भाई साहब, आरंभ परिग्रह का त्याग करने की भावना तो वाओ। ये बहुत सुंदर लाइनें हैं भजन भक्ति की, संत साधु वन के विचरू वह घड़ी कब आएगी, संत साधु वन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। सच में बोलना आसान है क्या संतोष जी साहब, बोलना आसान है, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा लगता है हमारे को कहना बहुत आसान है भाई साहब, कहना बहुत आसान है, लेकिन सुनो बनते वे ही हैं जो कहते हैं, एक बात समझ लेना, जिनकी जवान में अभी मुनि बनने की बात नहीं है वे मुनि कभी बन भी नहीं पाएंगे, जिनकी भावना में मुनि बनने की चर्चा नहीं है वे मुनि कभी बन नहीं पाएंगे, जिसने आईएएस बनने का विकल्प ही नहीं किया, कभी विकल्प में ही नहीं आया, वो कभी आईएएस बन नहीं पाएगा। अरे काम होने के पहले विचारों में आता है, काम होने के पहले वाणी में आता है, भाषा में आता है, भावना तो रख, भावना तो रख भाई, भावना तो रख, काम तो यहीं से होगा, विकल्प तो कर, कम से कम विकल्प तो कर, कार्य विकल्पों के बिना नहीं होता है और कार्य विकल्पों से भी नहीं होता है। बोलो, बड़ी गजब की बातें हैं, कार्य विकल्पों से नहीं होता, कार्य विकल्पों से नहीं होता, लेकिन कार्य विकल्पों के बिना भी नहीं होता। बोलो, विकल्प से तो नहीं होता काम, कितना भी विकल्प, बातों से क्या होता है, भोजन की चर्चा चलती, चर्चा से क्या होता है, चर्चा से, अरे चर्चा से क्या नहीं होता है, चर्चा से आप चर्चा तो करो आपके हार्मोन्स डेवलप होने लग जाते हैं, कहते चर्चा से, चर्चा से आपके माइंड बदलने लग जाता है, चर्चा से आपकी सोच बदलने लग जाती है, चर्चा से आपका चिंतन बदलने लग जाता है, चर्चा से आपका माइंड मेकअप होने लगता है, चर्चा का बहुत बड़ा रोल है भाई साहब, आप जरा घर में चर्चा तो करो, आप स्वाध्याय की क्या होता है इससे, कि बहुत कुछ होता है, करके तो देखो एक बार, मजा आएगा आपको, करके तो देखो, बड़ी गजब की बातें हैं ये कह रहे हैं। इस मुनिपद को धारण कर अष्ट कर्मों का नाश करके मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति भव्य जीवों को अवश्य करनी चाहिए, क्या मुनि व्रत धारण करने का उपदेश। चले अभी तक तो हम थे दीपचंद जी कासलीवाल के साहब उनके पास में, और अब चलते हैं अमृत चंद्राचार्य के पास। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर परम मुनि भक्त दृढ़ संस्कारवान, स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा,
धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्र वधु विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्र वधु विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रियांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञान दान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञान दान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है, अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।